हेलो दोस्तों, सांगवान एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हमारी सांगवान एकेडमी की टेस्ट सीरीज नंबर 9 सीरीज में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए, आपके लेफ्ट साइड में आपको पेपर दिखाई देगा और राइट साइड में आपको पैराग्राफ्स हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन इसी पैराग्राफ पे आधारित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट द पेज इन A4 साइज एंड मिरर मार्जिन। हमें क्या करना है, पेपर की साइज A4 करनी है और मार्जिन करनी है, मिरर करनी है। देखो, जब भी आपको पेज सेटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना हो तो पेज सेटिंग से संबंधित हमें लेआउट में जाना होता है। लेआउट में पेज सेटअप में आप देखोगे मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज की साइज और कॉलम, ये सारी चीज़ें हमें पेज सेटअप में मिलती है। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन कहता है कि पेज की साइज A4 सेट कीजिए। तो पेज की साइज A4 सेट कहाँ से होगी, साइज में जाके। साइज में जाके हम A4 पे क्लिक करेंगे तो पेज की साइज A4 सेट हो गई। मार्जिन के लिए कहा जा रहा है कि मार्जिन है वो मिरर सेट कीजिए। तो देखो, पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, क्लास में भी आपको मैं डिस्कस करता हूँ कि जो पेज मार्जिन का यदि नाम आ जाए, जैसे पेज साइज सॉरी मार्जिन है वो नॉर्मल कीजिए, मार्जिन है नेरो कीजिए, मॉडरेट कीजिए, वाइड कीजिए, मिरर कीजिए, अगर ऐसा नाम आता है तो नाम हमें डायरेक्ट दिए हुए होते हैं सामने, यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और यदि आपको पर्टिकुलर मार्जिन की साइज बोली जाए, जैसे 1 इंच करो, 2 इंच करो, 1.5 करो, अगर कहा जाए तो आपको कस्टम मार्जिन में जाके सेट करना होता है। अभी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मिरर मार्जिन करनी है तो हम मिरर पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमने पेज की साइज A4 और मार्जिन मिरर सेट कर दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द वर्ड J&K इंटू जम्मू एंड कश्मीर। ये कहना चाह रहा है कि J&K आपको जहाँ भी मिले, जैसे एक यहाँ पे भी है और नीचे भी है, जहाँ जहाँ J&K मिले वहाँ वहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए, जब भी आप किसी नाम को सर्च करते हो तो आपका कर्सर है वो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, यानी पेज के स्टार्टिंग में होना चाहिए, उसके बाद में आप सर्च करना स्टार्ट करें। तो सर्च करने के लिए आप होम टैब में जाएंगे। होम टैब में आपको सबसे लास्ट कमांड फाइंड एंड रिप्लेस होती है, उसमें फाइंड या रिप्लेस पे कहीं भी क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या सर्च करना है वो आप टाइप कीजिए, J&K, हमने फाइंड व्हाट J&K, और रिप्लेस विद इसकी जगह क्या लिखना है वो हम रिप्लेस में लिखेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आप स्पेलिंग वो क्या करवाना चाह रहे हैं, इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, अगर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, इस तरीके से। ठीक है, एक बार हम टाइप कर लेते हैं, उसके बाद में हम मिलान करेंगे पेपर में कि स्पेलिंग एग्जैक्ट तो है। देखो, हमने जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल SH लगा दिया मैंने, इसलिए इस H को हटाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए, और जहाँ तक कोशिश हो स्मॉल और कैपिटल लेटर का भी ध्यान रखें, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है ठीक वैसा ही आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, फाइंड व्हाट J&K, J&K को हमने सर्च किया, उसकी जगह हमें जम्मू एंड कश्मीर लिखना, उसको हम रिप्लेस में लिखते हैं। उसके बाद में आप रिप्लेस ऑल करोगे, ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट। इसको 3 जगह पर J&K मिला जिसको इसने जम्मू एंड कश्मीर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, सीड द सेकेंड पैराग्राफ अलाइनमेंट एज सेंटर। हमें सेकंड पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेंटर करना है एंड थर्ड पैराग्राफ एज लेफ्ट अलाइनमेंट। तो सेकंड को सेंटर में, तो ये लोग हम सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका हर वीडियो में बताता हूँ आपको, मार्जिन एरिया में आके डबल क्लिक करें या फिर किसी भी वर्ड के ऊपर ट्रिपल क्लिक करें। अगर आप पैराग्राफ के अंदर क्लिक कर रहे हो तो ट्रिपल क्लिक करें, या मार्जिन एरिया में आ रहे हो तो डबल क्लिक करें। इस प्रकार से एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अब हमें सेकंड पैराग्राफ की मार्जिन सेंटर करनी है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मार्जिन जो पैराग्राफ ग्रुप है अपना, इस पैराग्राफ ग्रुप में 4 प्रकार की मार्जिन मिलती हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। तो इसमें सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर हो गया।
फिर बोलता है कि थर्ड पैराग्राफ को, तो थर्ड पैराग्राफ को इसी प्रकार से हम सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट कीजिए। अभी ये जस्टिफाई, जैसे हम लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो इसका अलाइनमेंट लेफ्ट सेट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट वाटरमार्क विद द टेक्स्ट सांगवान एकेडमी। हमें वाटरमार्क लगाना है और वाटरमार्क लगाने के बाद में वाटरमार्क में नाम लिखना, वो लिखना सांगवान एकेडमी। तो आप चलिए इंसर्ट में, सॉरी डिजाइन में चलिए, डिजाइन में जाने के बाद आप वाटरमार्क पे जाएंगे, वाटरमार्क पे जाने के बाद आप कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। कस्टम वाटरमार्क में यदि कोई पिक्चर लगानी तब तो पिक्चर पे क्लिक करते हैं, लेकिन हमें तो सांगवान एकेडमी टेक्स्ट लिखना है इसलिए हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सांगवान एकेडमी ये लिखेंगे। एक बार जरूर ध्यान रखें, पेपर में मिलान कर लें, स्पेलिंग जो इसने लिखवाई है सेम ही लिखी है ना, स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अप्लाई करके ओके कर दीजिए या डायरेक्ट ओके कर दीजिए, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो हमने वाटरमार्क लिया है वाटरमार्क लग जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा दिखने में हल्का होता है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट देखो, अगला क्या करना अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंसर्ट टेक्स्ट राजस्थान हाई कोर्ट इन हेडर। हमें एक हेडर लगाना है जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट लिखना है विद बोल्ड इफेक्ट एंड सेट इट इन राइट अलाइनमेंट। हमें राजस्थान हाई कोर्ट नाम का हेडर लगाना है, उसे बोल्ड करना है और राइट में अलाइन सेट करना है। इंसर्ट टैब में चलेंगे, यहाँ से हेडर पे जाएंगे, हेडर में जाने के बाद एडिट हेडर, यहाँ लिखेंगे राजस्थान हाई कोर्ट। ध्यान रहे स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इसको हम बोल्ड करेंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में चल के यहाँ से बोल्ड बोल्ड किया और राइट अलाइनमेंट करेंगे। क्या क्वेश्चन था दोबारा सुनिए, क्वेश्चन कहता है कि आप हेडर में राजस्थान हाई कोर्ट लिखें, हमने लिख दिया। फिर कहता है कि इसे बोल्ड कीजिए, हमने बोल्ड भी कर दिया और साथ ही इसका अलाइनमेंट राइट सेट कीजिए, तो हमने राइट अलाइनमेंट सेट कर दिया है। उसके बाद में डिजाइन में जाके यहाँ से क्लोज हेडर कर देंगे तो हेडर आपका क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेट पेज कलर विद एनी टेक्सचर। हमें पेज कलर चेंज करना है, कोई भी टेक्सचर यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेज कलर के लिए हमेशा डिजाइन टैब में जाना होता है, इसमें लास्ट सेकंड लास्ट कमांड है पेज कलर। इसमें जाने के बाद आप इसमें कोई कलर चूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप इफेक्ट पे जाएंगे। इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से टेक्सचर यूज करेंगे। ठीक है, टेक्सचर यूज करने के बाद ये कह रहा है कि कोई भी टेक्सचर आप यूज कर सकते हो, सेट एनी टेक्सचर। तो इसमें से हम ये वाला टेक्सचर ले लेते हैं और उसको ओके करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने टेक्सचर सेट किया है, या अदर कोई लेना चाहिए आप अदर को ले लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आएगी आपको। तो इस प्रकार से हमने टेक्सचर ले लिया है। ठीक है, देख पा रहे हैं कि आपका जो वाटरमार्क है वो भी आपको दिखाई दे रहा है सही से अच्छे से, ये देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सेट द पेज बॉर्डर इज द एज ऑफ टेक्स्ट रादर देन एज ऑफ पेज। हमें क्या करना है, पेज बॉर्डर लगानी है जो कि कहाँ होनी चाहिए, एज ऑफ टेक्स्ट, ये पेज पे नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट पे होनी चाहिए। तो पेज बॉर्डर कैसे लगेगी, पेज बॉर्डर लगाने के लिए आप डिजाइन टैब में चलेंगे, यहाँ से पेज बॉर्डर लास्ट कमांड मिलेगी पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद एज ऑफ पेज के बजाय हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट, क्या करेंगे, टेक्स्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो बॉर्डर लगेगी वो कहाँ लगेगी, एज ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, अभी बॉर्डर लगी नहीं है, एक बार ट्राई करते हैं क्यों नहीं लगी। हमने यहाँ से बॉक्स कर लेना है सबसे पहले और ऑप्शन में जाके यहाँ से टेक्स्ट कर लेना है, इसको ओके कर देना है और फिर ओके करना है। तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट लिखा है उसके चारों तरफ बॉर्डर, पेज बॉर्डर लग के आ जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अप्लाई बॉर्डर ऑन सेकेंड पैराग्राफ। हमें सेकेंड पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना है जो कैसी हो, डबल लाइन स्टाइल हो। सेकेंड पैराग्राफ के बॉर्डर है, सेकेंड पैराग्राफ पे क्लिक करके रखें या फिर सिलेक्ट करके रखें, उसके बाद में आपको बॉर्डर लगानी है। बॉर्डर लगाने के तरीके आप यहाँ से भी लगा सकते हो, डिजाइन में जाके पेज बॉर्डर इस ऑप्शन से भी कर सकते हो, या फिर होम के अंदर यहाँ से ये बॉर्डर होती है यहाँ से भी बॉर्डर लगा सकते हो। तो अभी हम डिजाइन में जाके पेज बॉर्डर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से देखो ऊपर जो टेप दिखाई दे रही है इसमें
पेज बॉर्डर एक तो एक बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है ना ये बॉर्डर पैराग्राफ बॉर्डर है, और पेज पे लगानी हो तो हमें पेज बॉर्डर पे क्लिक करना होता है। इसलिए मैं बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, बॉक्स लूंगा और बॉक्स में जो लाइन का टाइप है वो डबल लाइन ले लेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। आप देख पा रहे हैं सेकंड पैराग्राफ पे डबल लाइन बॉर्डर सेट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, गिव द रेड कलर टेक्स्ट इफेक्ट टू द फर्स्ट पैराग्राफ। हमें क्या करना है, रेड कलर टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट का कलर है उसको रेड कर देना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, होम टैब में जाके यहाँ से टेक्स्ट कलर भी इसको बोलते हैं, फॉन्ट कलर भी इसको बोलते हैं, तो यहाँ से रेड कलर चूज करेंगे। इस प्रकार से रेड कलर इफेक्ट इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अप्लाई डबल लाइन स्पेस टू फर्स्ट पैराग्राफ। लाइन स्पेस की बात कर रहा है, डबल लाइन करना है फर्स्ट पैराग्राफ में, एंड ऑल्सो गिव इटैलिक इफेक्ट। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, इसमें लाइन स्पेस डबल करना है तो आप दो तरीके बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे, यहाँ से लाइन स्पेस होता है इसमें 2.0, ये डबल है, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, इसका डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, आप जानते हो पैराग्राफ ग्रुप के कॉर्नर पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो लाइन स्पेसिंग है इसमें लिखा हुआ है डबल, एक ही बात है 2.0 या डबल, ओके। ये हमने लाइन स्पेस डबल कर दिया है। उसके बाद में बोल रहा है कि इसको इटैलिक भी कीजिए। इटैलिक करने के लिए हम होम टैब में जो फॉन्ट ग्रुप है इसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये तीनों में एक साथ मिलते हैं, इसमें इटैलिक करेंगे। क्लियर है चीज। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसको अप्लाई ऑल फॉर्मेटिंग ऑन फोर्थ पैराग्राफ विच इज अप्लाइड ऑन फर्स्ट पैराग्राफ। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ पे जो भी फॉर्मेटिंग है वो हमें फोर्थ पे अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट पैराग्राफ को पहले सिलेक्ट करके रखिए आप, फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी करेंगे। देखो फॉर्मेटिंग सेम फॉर्मेटिंग चाहिए होती है हमें, तो हम क्या करते हैं फॉर्म पे पेंटर से कॉपी करते हैं, कर ली। उसके बाद में आप काउंट कीजिए सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ, इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, इससे पूरे पैराग्राफ के ऊपर अपने को क्लिक करना था, तो एक बार दोबारा करते हैं। पैराग्राफ की हमने फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करी और फोर्थ पैराग्राफ पर यहाँ से लेके और जितना भी पैराग्राफ है उस पर ड्रैग करेंगे, इससे क्या होगा फोर्थ पैराग्राफ है उसकी फॉर्मेटिंग वैसी ही हो जाएगी जैसी फर्स्ट पैराग्राफ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, अप्लाई आफ्टर पैराग्राफ स्पेस विद 22.6 पॉइंट ऑन थर्ड पैराग्राफ। हमें थर्ड पैराग्राफ पे, तो थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं, ये थर्ड पैराग्राफ है, इस पे आफ्टर पैराग्राफ स्पेस, तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, यहां से भी कर सकते हो इसको, या फिर लाइन स्पेस वाला ऑप्शन है इसमें, लाइन स्पेस ऑप्शन में जाके भी इसको कर सकते हो। अब हमें आफ्टर पैराग्राफ स्पेस सेट करना है, कितना 22.6 आफ्टर पैराग्राफ, ये रहा यहाँ पर, तो इसको हम क्या करेंगे 22.6 टाइप कर लेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। इसको ओके करेंगे तो आफ्टर पैराग्राफ स्पेस आ गया 22.6। क्वेश्चन नंबर 13, सेट फर्स्ट लाइन इंडेंट। हमें फर्स्ट लाइन इंडेंट करना है 0.7 इंच ऑन फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, तो फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, उसमें हमें क्या करना है इंडेंट सेट करना है। इंडेंट भी हमेशा पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स है उसी में मिलेगा। अभी बता के गया हूँ मैं आपको कि डायलॉग बॉक्स को आप इस कॉर्नर से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर मोर ऑप्शन में जाके भी, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके भी कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इंडेंटेशन, यहाँ बीच वाला पोर्शन इंडेंटेशन मिलेगा आपको, इसमें स्पेशल में जाके फर्स्ट लाइन करेंगे भाई, आपको जो स्पेशल में फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट दोनों यहाँ मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें करना था 0.7, तो मैंने यहाँ से बढ़ा के 0.7 इसको कर दिया है। इसको ओके करेंगे तो फर्स्ट लाइन इंडेंट देख पा रहे हो, फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा आगे इंडेंट हो गई है, मूव हो गई है, तो ये 0.7 हमने इसको सेट कर लिया। ऊपर से भी अगर आप रूलर बार में देखोगे तो 0.5 यहाँ है, 0.6 एंड 0.7 यहाँ पे सेट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, रिप्लेस द वर्ड मिनिस्टर टू मंत्री। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कहता है कि जहाँ मिनिस्टर लिखा हुआ है उसको सर्च करो और उसकी जगह मंत्री हिंदी में लिखना है, हमें हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो हम मैंने बताया आपको कि जब भी कोई नाम को सर्च करते हो, फाइंड करते हो, तो आप पेज के फर्स्ट में चले जाइए क्योंकि शुरुआत से वो सर्च करें। तो हम यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करेंगे, तो
रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, पहले से लिखा हुआ सब कुछ डिलीट कर देंगे। हम यहाँ पे सर्च करेंगे मिनिस्टर और हमें लिखना है मंत्री, तो मंत्री किस प्रकार से लिखा हुआ एक बार देख लेते हैं। हाँ, आप लिखेंगे मंत्री, मंत्री हमने लिख दिया है। और उसके बाद आप फ़ॉन्ट का नेम भी हिंदी करेंगे, डेवलिस फ़ॉन्ट करेंगे, अदरवाइज अगर ऐसे करेंगे तो इंग्लिश में ई ए इक्वल के एच, ये जो लिखा है ना मैंने टाइप किया एज इट इज मिनिस्टर की जगह ये हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हिंदी में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, मोर पे जाऊँगा, यहाँ से जाने फॉर्मेट फ़ॉन्ट, और इसमें जाने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट का नेम है वो डेवलिस ले लेंगे। आप टाइप करके भी ला सकते हो, डेवलिस 10 मैंने ले लिया है। और यहाँ पर ये फिर मैं करूँगा यहाँ से रिप्लेस ऑल, क्या करेंगे रिप्लेस ऑल। मैं जैसे इसको रिप्लेस ऑल करूँगा ये बोल रहा है ऑल टाइम वी मेड वन रिप्लेसमेंट, ये बोल रहा है मुझे एक जगह मिला था जिसको मैंने, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बड़ा कर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर मिनिस्टर था, अब क्या लिखा हुआ गया मंत्री। एक बार पेपर में मैच करवाएं, सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है गलत होने की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सेट अंडरलाइन इफेक्ट ऑन सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, बट अंडरलाइन शुड नॉट अप्लाई ऑन ब्लैंक स्पेस। ये कह रहा है कि खाली स्पेस पे अंडरलाइन नहीं लगनी चाहिए, तो ऐसे अंडरलाइन को क्या बोलते हैं, ऐसे अंडरलाइन को बोलते हैं वर्ड्स ओनली, ठीक है, जिसमें खाली स्पेस पर अंडरलाइन नहीं होती, केवल वर्ड्स के नीचे ही अंडरलाइन होती है, उसको बोलते हैं वर्ड्स ओनली, ठीक है। तो हम सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे अंडरलाइन लगाते हैं जो वर्ड्स ओनली होगी। तो देखिए सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, इसकी तरफ चलते हैं, देखो ये पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ है और ये सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, इसमें हम अंडरलाइन लगाएंगे। अंडरलाइन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, अंडरलाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद आप मोर अंडरलाइन पे जाइए, मोर अंडरलाइन पे जाने के बाद अंडरलाइन स्टाइल दे रखी है यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में, इस पर क्लिक करेंगे और वर्ड्स ओनली करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, या फिर मैं आपको दिखा दूँ कि हमने अंडरलाइन लगाई, लेकिन वो अंडरलाइन स्पेस पर नहीं होनी चाहिए, तो देख पा रहे हैं आप स्पेस पर नहीं है, ये केवल वर्ड्स के नीचे ही, इसको बोलते हैं वर्ड्स ओनली, क्लियर। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चेंज द फ़ॉन्ट फेस ऑफ लास्ट पैराग्राफ एज एरियल। फ़ॉन्ट फेस या फ़ॉन्ट नेम एक ही बात है, इसको एरियल करना है और फ़ॉन्ट की साइज 19.5 करनी है लास्ट पैराग्राफ की, तो हम लास्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से फ़ॉन्ट का नेम हमें एरियल लेना है, जहाँ कहीं आपको एरियल मिले यहाँ मिल गया, या आप टाइप भी कर सकते हैं ऊपर, यहाँ पर टाइप करके भी एरियल ला सकते हैं, एरियल कर दिया। फिर इसकी साइज है वो करनी 19.5, आप क्या करेंगे फ़ॉन्ट की साइज जस्ट जहाँ फ़ॉन्ट का नेम चेंज करते हैं उसके बाजू में 19.5 आपको टाइप ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस लिस्ट में होता नहीं 19.5, तो 19.5 टाइप किया, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए, तो ये फ़ॉन्ट की साइज ही बढ़ गई और फ़ॉन्ट का नेम भी क्या हो गया, एरियल हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इंसर्ट ए टेबल एट द एंड ऑफ पेज विथ 3 columns and 5 rows। हमें पेज के अंत में क्या करना है, एक टेबल इंसर्ट करनी है 3 columns and 5 rows। तो इंसर्ट में जाना होता है, पेज में कुछ भी जोड़ें, चाहे टेबल जोड़ें या कोई फोटो जोड़ें, हमें इंसर्ट में जाना होता है, टेबल पे जाएंगे और इंसर्ट टेबल ऑप्शन, ठीक है, यहाँ से। तो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 3 columns and 5 rows, तो कॉलम में ऊपर टाइप कीजिए आप 3 और यहाँ पे टाइप करेंगे 5, बन गई टेबल। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, एंड पुट द डमी डेटा, इसमें डमी डेटा डालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे नेम, यहाँ लिखते हैं सिटी, यहाँ लिखते हैं स्टेट लिख देते हैं, ठीक है। नेम में हम कोई भी नाम डालेंगे, जैसे मैंने डाला गरिमा, सिटी लिख दी मैंने जयपुर, स्टेट लिख दिया मैंने राजस्थान, अगला मैंने करता हूँ मैं मोनिका, इसका स्टेट कर दिया मैंने, सॉरी सिटी कर दी मैंने भरतपुर, और स्टेट में क्या कर दिया राजस्थान, अगला लिखते हैं राहुल, सिटी कर दी मैंने सूरत, स्टेट कर दिया मैंने गुजरात, फिर यहाँ करते हैं मीनाक्षी, इसको कर दिया
मुंबई महाराष्ट्र। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, एक टेबल बनाई जिसमें 3 कॉलम 5 रो होंगी और उसमें डमी डेटा, डमी डेटा का मतलब है आप कोई भी डेटा इसमें फीड कर सकते हो। डमी डेटा मतलब ये मत कर देना कुछ भी कीबोर्ड से जो मर्जी वो टाइप करे, दिखना चाहिए वो, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेट ए टेबल, सेट टेबल जो टेबल हमने बनाई उसी की बात कर रही है, सेट टेबल ऑटो फिट एज विंडो एंड ऑल कंटेंट शुड बी सेंटर इन ईच सेल। ये बोल रहा है कि टेबल है ना, पूरी टेबल, टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, इसको आप लेआउट में जाके और ऑटो फिट करेंगे, ऑटो फिट एज विंडो, ऑटो फिट एज विंडो, तो ये ऑलरेडी विंडो में सेट थी फिर भी हमने कर दिया इसको। उसके बाद में बोल रहा है कि इसका कंटेंट है, तो आप क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट नहीं करेंगे जबकि अंदर कंटेंट को सिलेक्ट करते हुए चलेंगे, पूरे कंटेंट को सेंटर में करना है, इसलिए अब आप क्या करेंगे, कंटेंट को सेंटर करना, तो होम में गए और होम में जाने के बाद यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट लेंगे, सेंटर कंटेंट, क्लियर, इस तरीके से। तो ध्यान रहे जब भी कंटेंट को करना हो तो कंटेंट को अंदर से सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, और टेबल को सिलेक्ट करना हो तो टेबल को बाहर से सिलेक्ट करेंगे। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर टेबल को सिलेक्ट करता हूं तो आप देख पा रहे इधर देखो जहां टेबल एंड हो रही राइट साइड में, देखो आप टेबल की बॉर्डर के बाहर भी सिलेक्ट हो रही है, इट मीन्स ये टेबल सिलेक्ट है। और कंटेंट होता तो क्या होता, देखो कंटेंट को मैंने सिलेक्ट किया तो टेबल के बाहर नहीं जा रहा सिलेक्शन, इसका मतलब अंदर कंटेंट ही सिलेक्ट हुआ है, क्लियर। उसके बाद में मैंने कंटेंट को क्या कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19, इंसर्ट ए न्यू रो इन द टेबल, टेबल में एक नई रो डालनी है एंड मर्ज ऑल द सेल ऑफ लास्ट रो, जो हम रो डालने जा रहे हैं अभी लास्ट है उसको मर्ज कर देंगे, ऑल्सो फिल द ब्लैंक ब्लैक कलर इन द सेम। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर टेप दबाएंगे और टेप दबाने के बाद इसको मर्ज कर देंगे, और मर्ज करने के बाद, मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से मर्ज सेल, और इसमें कोई भी कलर फिल कर देंगे, तो यहाँ कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से होम, और इसमें जाने के बाद आप इसको कोई भी कलर फिल कर देंगे यहाँ से इसमें इस तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, टाइप द थिंग्स सांगवान अकेडमी इन द लास्ट सेल विद येल्लो टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पर येल्लो कलर से हमें लिखना होगा, टेक्स्ट कलर येल्लो, थिंग्स सांगवान अकेडमी, तो यहाँ लिख देते हैं थिंग्स सांगवान, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन 20 हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अगले एक वीडियो में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।